Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fazila Pathan and today I will deliver the lecture of English for class 4. The book is from Afaq Iqbal series, English for class 4. Our unit number 1 is, the title of unit number 1 is Thank You Lord. Thank You Lord means Shukriya apne Rab ka. Thank you means Shukriya aur Lord means Khuda. To aaj hum is chapter mein apne Rab ka shukar ada karne ke bare mein padhenge ki hame apne Rab ka shukar ada karna chahiye ki usne hame bahut si neamton se nawaza. Subah se lekar raat tak apni puri zindagi mein hum usi ki beshumar neamton se faiziyab hote hain. To aaiye hum unit number 1 की रीडिंग करते हैं. यूनिट नंबर 1, थैंक यू लॉर्ड. बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएम. सो वी विल रीड आउट इट्स फर्स्ट स्टैंजा. लॉर्ड, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे बाय टेकिंग अ मोमेंट टू गो एंड प्रे. आई स्टार्ट विद थैंक्स एंड देन गिव प्रेज for all your kind and loving ways. So in first stanza, the first word is Lord. As I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया, Lord का मतलब होता है खुदा. इसमें जो हमारी poetess हैं वो ये कह रही हैं कि Lord in the morning I start each day. खुदा, मैं अपनी सुबह रोज़ाना शुरू करता हूँ by taking a moment to bow and pray. सबसे पहले अपने रब के आगे सजदा रेज होकर और दुआ कर कर, बेसिकली जैसे कि आपको पता है मुस्लिम रिलीजन में हम सबसे पहले सुबह वी हैव टू ऑफर फजर प्रेयर. हमें फजर की नमाज़ पढ़नी होती है. फजर की नमाज़ में हम सजदा भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं. थर्ड लाइन, आई स्टार्ट विद थैंक्स एंड देन गिव प्रेज. हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं और अपने रब की तारीफ़ करते हैं कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा. जैसा कि आप सबको पता है, नमाज में सना के बाद सबसे पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा. अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं. तो इसीलिए हम वी आर वेरी ब्लेस्ड, बीइंग अ मुस्लिम इज़ वेरी ब्लेस्ड. बेसिकली हम अपने लॉर्ड का, अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करना हमें हम्बल बनाता है, हमें केयरिंग बनाता है और हमें सिंपैथेटिक बनाता है. फोर्थ लाइन, फॉर ऑल योर काइंड एंड लविंग वेज. उन सब के लिए मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ जितनी नेमतें उसने हमें दी, उसकी हम पे बड़ी मेहर. काइंड मीन्स मेहरबान. लविंग वेज मीन्स के प्यार के तरीके, मीन्स के उस वो हम पे बहुत मेहरबान है और हर तरीके से उसने हम पे बहुत सी मेहरबानियाँ की हैं. एंड नाउ आई विल रीड आवर सेकेंड स्टैंजा टुडे. इफ़ सनशाइन टर्न्स टू रेन, इफ़ अ डार्क क्लाउड bring some pain, I won't doubt or hide in fear, for you my God are always near. Today if sunshine turns to rain means के यहाँ पर जो है वो मुराद है water cycle. भी आप science पढ़ी होगी, आपने science में water cycle भी पढ़ी होगी. water cycle में आपको पता चलेगा कि बेसिकली बारिश जो है वो सूरज की रोशनी की मदद से होती है. जैसे ही सूरज की रोशनी दरियाओं और समंदरों में पड़ती है, वहाँ का पानी भाप बनकर बादलों की शक्ल इख्तियार करता है और वहाँ उसी के ज़रिए से फिर रेन होती है. तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है और उसने जो है वो हमें बारिश अता करी, सरसब्ज बागात और फूल दिलकश नज़ारों से ये दुनिया भरी है. इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग सम पेन, और जब बादल गरजते हैं तो थोड़ा, जब उनकी गिराहट से, उनके गरजने से थोड़ा खौफ पैदा होता है, तो मैं आई वॉन्ट डाउट और हाइड इन फेयर. मैं कभी भी
डरती नहीं हूँ, मैं कभी भी डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा अल्लाह, हमारा गॉड हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी मदद करेगा। और हम जब भी डरते हैं या ज़िंदगी के किसी भी खौफ में मुब्तला होते हैं तो अपने रब से जो है वो मदद तलब करते हैं और बेशक वो हमारी ज़रूर सुनता है। एंड नाउ आई विल रीड आवर थर्ड स्टैंजा। आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड, आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, वेयर यू सेंड मी आई विल गो, विद योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो। इन थर्ड स्टैंजा हमने ये पढ़ा आई विल ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स सफ़र करना, वेयर यू लीड, लीड मीन्स पहुँचाना, हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तू पहुँचाएगा मेरे रब। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, और मैं अपनी उन फ्रेंड्स की मदद करूँगी जिन जो ज़रूरतमंद हैं। बेसिकली इसमें हमें जो है वो एक सैम्पैथेटिक वे की तरफ जो है रुझान दिया जा रहा है कि हम अपने उन दोस्तों की मदद करें जो देखें ज़रूरतमंद हैं, जो उनकी मदद करें। What where you send me I will go, जहाँ या रब तू हमें जहाँ भेजेगा हम वहाँ जाएंगे, with your help I will learn and grow, और तेरी ही मदद से हम बहुत कुछ सीखेंगे और इस दुनिया में पले बढ़ेंगे। बेशक हम जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात पर चलकर, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलकर इस ज़िंदगी को कैसे बसर करना है और ज़िंदगी हमें क्यों दी गई ये सब हमें मालूम होता है। तो इसमें उसी की तरफ इशारा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने रब के अहकामात को मानना चाहिए। नाउ इन फोर्थ पैराग्राफ आई एम रीडिंग इट, होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स एज वी फॉलो योर कमांड्स एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट until I crawl in bed tonight. Hold means pakadna. Hold my family in your hands. Ya Allah, meri family par rehmatein nazil farma. As we follow your command, jaisa ki hum tere ahkamat ko mante hain. Follow means manna. Commands mean ahkam, hukum. And I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight. Aur jaise hi main raat ko sone ke liye jata hoon, मैं अपने रब को याद करता हूँ। क्लोज़ इन साइट मीन्स के आंखें बंद करके हम किसी का तसव्वुर करते हैं और फिर याद करते हैं, तो उसकी उस इस मिनी इस वर्ड की मीनिंग ये है। तो जैसे ही हम रात को दिन गुजार कर अपना रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो हम दुआ वगैरह करते हैं कि यार अब तूने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, हम तेरे शुक्र गुज़ार हैं, तूने हमें इतनी नेमतें दी और हम तेरे अहकामात पर चलेंगे, तुझसे दुआ करेंगे, तेरी तारीफ़ करेंगे और तेरा शुक्रगुजार तेरे शुक्रगुजार हैं। तो हमने आज इस यूनिट में ये सीखा कि हमें अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए, उसके शुक्रगुजार बंदे बनकर रहना चाहिए और उसके इबादत करनी चाहिए हमें। और इसकी थॉरली रीडिंग आप लोग कीजिएगा, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उससे बेहतरीन तैयारी करें। टफ़ वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड्स की सूरत में दी है। इस द राइटर ऑफ द पोएम इज़ मैरी फेयर चाइल्ड, इस पोएम की जो राइटर है वो मेरी फेयर चाइल्ड हैं। उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।